हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लेंस, जहां हम कुछ न कुछ नया सीखते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी टमाटर का पौधा। ये टमाटर का पौधा मैंने इसका सैपलिंग लगाया था छोटा सा, और ये देखिए, और ये इसमें टमाटर भी लाल होने लग गए हैं। और ये मैंने एक ही गमले में लगा दिया था एक दूसरे पौधे के साथ। टमाटर के पौधे को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ये छोटा पौधा था और एक हफ्ते के बाद मैंने क्या किया कि इसमें एक पेस्टिसाइड, कोई भी नीम बेस्ड पेस्टिसाइड स्प्रे कर दिया। और इसकी जो सॉइल है, सॉइल का मेरा वीडियो है जहाँ मैंने दिखाया है कि मैं सारे पॉट्स के लिए सॉइल कैसे मिक्स करती हूँ। इट्स ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल द प्लांट्स। और ये 2 महीने हुए हैं और ये देखिए टमाटर, कितना प्यारा टमाटर निकलने लग गया है। ये मेरा दूसरा टमाटर का पौधा है। ये भी देखिए, मैंने ये नींबू, ये देखिए इसका गमला, और ये मैंने नींबू के साथ ही यहाँ पे लगा दिया था। छोटा सा सैपलिंग था, मैंने सोचा भी नहीं कि ये इतना बड़ा हो जाएगा, पर ये देखिए, ये छोटा सा सैपलिंग था और ये इतना बड़ा हो गया और इसमें इतने टमाटर हो गए कि ये गिरने लग गया है। तो मुझे इसको यहाँ पे रस्सी से बांधना पड़ा है। तो ये इसकी स्टेम्स थोड़ी वीक होती है, तो या तो आप इसको साइड में कहीं ऐसे लगाइए कि अगर बड़ा हो तो आप अपने छत के साइड से आप इसको सपोर्ट कर सकें, और नहीं तो किसी डंडे वगैरह के साथ। अगर छोटा है तो आप डंडे के साथ लगाइए। और देखिए इसमें कितने बड़े टमाटर हो रहे हैं। ये मेरा तीसरा पौधा है टमाटर का। ये मैंने अलग से ही गमले में लगाया था पॉटिंग मिक्स के लिए। अगेन मैं यही कहूँगी कि आप मेरा, जैसे मैंने मिट्टी मिक्स की थी, मिट्टी मिक्स करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आप किस तरह मिट्टी मिक्स करते हैं, और उसके बाद जब ये छोटा है पौधा आपका, आप उसी टाइम इस पे पेस्टिसाइड छिड़क दीजिए। पेस्टिसाइड वाला भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये टमाटर के फूल ऐसे होते हैं, ऐसे टमाटर के फूल होते हैं, और फिर इसमें से एक छोटा सा टमाटर निकल जाता है। अभी कोई छोटा टमाटर नहीं तो मैं दिखाती, अदरवाइज देखिए ये सब मतलब 1-1.5 महीने के ही पौधे हैं। और इसमें से ये देखिए, इसमें कितने सारे फूल हैं, ये सारे टमाटर बन जाएंगे। सब्जी उगाना इतना मुश्किल नहीं होता है, सब सिर्फ 2 चीज़ का ध्यान रखिए। एक तो आपका पॉटिंग मिक्स कैसा है, आपका सॉइल कैसा है, और दूसरा इनिशियली जब ये थोड़ा छोटे मतलब छोटा ही पौधा रहता है, अभी फ्रूट इसमें फल फूल आना नहीं स्टार्ट होता है, आप उसी टाइम पेस्टिसाइड डाल दीजिए। तो क्या होगा कि फिर आपको ये बड़ा हो जाएगा तो कीड़े नहीं लगेंगे, और आपको जब ये फल या फूल देने लगेगा तब आपको पेस्टिसाइड नहीं डालना पड़ेगा। ऐसे देखिए, मैंने बहुत सारे लगाए हैं, धीरे 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 सब में से टमाटर निकलेंगे, एंड आई एम सो एक्साइटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप गार्डनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।